ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम आयोनिक इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। 20 तक हमने कर लिए थे, नाउ 21 है हमारे पास के। अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर स्टेबल एट टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं इसलिए एक ही तरफ हमारे पास फॉरवर्ड जा रहा होता है। वन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल देन के सी हैज नो यूनिट। वन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्मॉल इट इंडिकेट, तो ये क्या जाहिर कर रहा होता है, इट इंडिकेट वेरी लिटल फॉरवर्ड रिएक्शन। द एडिशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट आर रिमूवल ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट फेवर, तो क्या फेवर करेगा, द एडिशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट आर रिमूवल ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को ऐड करो या प्रोडक्ट को रिमूव करो तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा। इन हेबर प्रोसेस द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज व्हिच आर द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ एमोनिया, हमारे पास तो 35 हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अभी याद करने वाली चीज़ें, अच्छा ये देखो ना, वही क्वेश्चन है जो पिछली वीडियो मैंने कहा था कि पी के लाजमी देना है 4.74, ठीक है। तो पी एच किसके बराबर होता है, पी के प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाई एसिड, साल्ट क्या है 0.1.1, ठीक है 0.1.1 ये तो फिर सेम है, तो सेम है तो पी एच इज इक्वल टू पी के ही फिर होगा, जितना पी एच है उतना पी के ही होगा, बी ऑप्शन। और पीछे तो फिर इसने वो 1 दिया था, ठीक है, तो 1/0.1 बन रहा था, लॉग ऑफ 10 1 के बराबर होते हैं। व्हेन द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल देन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय, तो फिर प्रेशर चेंज वॉल्यूम चेंज से डिस्टर्ब नहीं होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फॉरवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाई डिक्रीज इन टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारे पास होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, हमारे पास ओपन सिस्टम में अचीव नहीं होता। इन अ गिवन सिस्टम वाटर एंड आइस आर इन इक्विलिब्रियम इफ प्रेशर इज अप्लाई टू द अबव सिस्टम देन, तो फिर क्या होगा हमारे पास, मोर आइस इज मेल्टेड, क्योंकि आइस पर थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, उसमें पोज मौजूद होंगे हमारे पास, ठीक है, या मोर वाटर विल फॉर्म, ये भी आप कह सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश इन केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट के सी, के सी के बारे में कौन सा सेम, मे आर मे नॉट हैव यूनिट, ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे फिर तो यूनिट नहीं होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन के सी हैज मोल -2 dm + 6 यूनिट, तो यानी मोल स्क्वेयर है तो मतलब जो डेल एन है ना वो हमारे पास 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो किस में डेल एन -2 है, हमारे पास 2 -4, तो इसी में ही -2 आ रहा है, तो मोल -2 हो जाएगा और डी एम क्यूब होते तो 3 × 2 = 6, तो ए ऑप्शन ही हमारे पास इसमें कोरेक्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2/O2 इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम इफ, सो इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस एंड प्रेशर इज इंक्रीज, ठीक है हमारे पास, क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा तब ये फॉरवर्ड जाता है। फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज अ रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाट विल हैपन ऑन कूलिंग, NH3 भी एक्सोथर्मिक, अगर कूलिंग करोगे तो मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म, प्रोडक्ट फिर हमारे पास नहीं बनेंगे, ठीक है ना, सॉरी, एक्सोथर्मिक है ना तो टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अगर ये एंडोथर्मिक होता ना फिर कूलिंग से हमारे पास क्या बनते, रिएक्टेंट बनते, ठीक है। इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिडिक बफर, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाय एसिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस इक्वेशन, पीएच पीके के बराबर होता है जब एसिड बाय साल्ट बराबर हो, ठीक है ये बात तो करेक्ट है। पीएच लेस देन पीके हो जब एसिड नीचे वाला जब बड़ा होगा तो फिर ऊपर वाली वैल्यू कम आएगी, ये करेक्ट है। नीचे वाला जब ज्यादा होगा, इसमें भी ज्यादा का है, इसमें भी ज्यादा का है, इसमें इधर आप कर लो एसिड लेस देन साल्ट, ठीक है, जब एसिड लेस देन साल्ट तो पीएच ग्रेटर देन पीके, ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिर ऑल ऑफ दिस, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रेंगरी सॉल्युबल साल्ट एट द पावर देयर रिलेटिव कंसंट्रेशन, वो केएसपी हमारे पास कहलाता है। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट, ये करेक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्टेंट होता है, द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रिमेन सेम, यस ऑल ऑफ द अबव, व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस ग्राफ, क्या बात हमारे पास ट्रू है इस ग्राफ के बारे में, तो देखो ना ये एक ही रिएक्शन शो कर रहा है, यानी कंसंट्रेशन शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है, तो पहले ज्यादा थी फिर कम हो रही है और फिर वापस कोई इक्विलिब्रियम, तो ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि देखो ना रिएक्टेंट पहले पहले हमारे पास ज्यादा होता है जब टाइम जीरो था। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, हमारे पास करेक्ट है,
Which of the following is true for reversible reaction at equilibrium? So rate of forward reaction equal to rate of backward या reverse. For a reversible reaction, Kc x square के बराबर है. True statement about this. तो I think ये भी हमने अच्छा. अच्छा देखो ना A minus B, यानी इधर भी कोई A reactant था, B reactant था, product में भी हमारे पास दो बने, X और X, तो यानी product में भी दो mole है, reactant में भी दो mole है, ठीक, A एक reactant था, B भी एक reactant था, तो 2 minus 2, 0, तो जब हमारे पास mole बराबर होते हैं ना, तो ऐसे equation पे, there is no change in number of mole during the course of reaction, mole same है, ठीक है, 43 है कि for which reaction the volume is irrelevant factor in determining Kc, तो वो कौन से रिएक्शन होंगे हमारे पास या कौन से रिएक्शन, तो ये अब याद करने वाली चीज़ आप लोगों की बुक में एग्जांपल होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर व्हिच इज नॉट लिंक्ड टू इक्विलिब्रियम प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ एलाई इज नॉट, ठीक है, फॉर द रिएक्शन ऑफ थायोसाइनाइड आयरन प्लस 3, ठीक है, येलो से रेड में जाता है, ये रेड ये आया था ना कि ये हमारे पास ये फिल्मों में ब्लड वगैरह ये इसी से बना होता है रेड कलर वाला, द एडिशन ऑफ एस सी एन विल रिजल्ट इन, तो एस सी एन अगर तुम ऐड करोगे तो क्या होगा हमारे पास, एस सी एन जब तुम ऐड करोगे तो रेड कलर बनेगा ना, रिएक्शन आगे जाएगा, इंटेंसिफिकेशन ऑफ रेड कलर, वन एच सी एल इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ए सी एल, द आयनाइजेशन ऑफ एन ए सी एल, सो द आयनाइजेशन ऑफ एन ए सी एल डिक्रीज, क्योंकि एच सी एल स्ट्रॉन्ग है, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, ठीक है, प्रिसिपिटेशन आकर, प्रिसिपिटेशन हमारे पास कब होती है, जब के एस पी लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट, फॉर अ रिएक्शन 3x plus y equal to x3y, डेल्टा एच पॉजिटिव है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे भी करेगा, मोल डिफरेंट है तो प्रेशर पे भी हमारे पास करेगा, ठीक है, और इसने कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं दिया तो फिर हम कोई स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि कैटलिस्ट लाजमी है, ठीक है, फॉर एक्स प्लस वाई इंटू जेड के सी दिस इट मीन दैट द इक्विलिब्रियम, के सी कम है बहुत, सो इसके बारे में क्या कहोगे कि एक्स एंड इक्विलिब्रियम में एक्स रिएक्टेंट यानी ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्स एंड वाई वुड बी फेवर्ड, 50 वाला करते हैं इंशाल्लाह इसके आगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, 50 है कि 203 इंटू 302 के सी 10 की पावर 55 है, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है हमारे पास, सो इट एक्सप्लेन के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंस्टेबिलिटी ऑफ ओजोन, इसलिए ये फिर O2 में जा रहा है हमारे पास, ठीक है, O2 क्योंकि स्टेबल है, ओके, यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं।